नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। पाकिस्तान के कप्तान का सपना पूरा हो गया। आखिरकार उसकी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात हो गई, पर इसी बीच एक विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद पाकिस्तान ने नहीं किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। पूरा मामला आपको जरा समझा देता हूँ क्या कुछ हुआ। इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी भी मध्यस्थता करने को तैयार है। बस फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही झूठ में फंस गए। देखिए क्या कुछ बोले थे डोनाल्ड ट्रंप। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 हफ्ते पहले मिला था और हमने इस मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप मध्यस्थता करेंगे। मैंने कहा किस बात पर, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कश्मीर मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों से विवाद चल रहा है, वो पाकिस्तान के मुद्दों पर हल चाहते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर भी हल चाहते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी ने सब बात कही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे इस मुद्दे पर मध्यस्थता करके बहुत खुशी होगी। जैसे ही ये बयान सामने आया फिर तो बवाल मच गया, जिसका भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने देर रात को ट्वीट कर लिखा कि भारत ने कभी भी ऐसी पेशकश नहीं की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की टिप्पणी देखी, यदि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अनुरोध करते हैं तो वह मध्यस्थता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी कोई भी अनुरोध नहीं किया या कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। भारत अपने रुख पर अड़िग है। पाकिस्तान तो झूठ बोलता ही था, पर यह किसी ने नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा कर देंगे। आपको इस खबर पर क्या लगता है, आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।